यूं तो गोरखपुर के रामगढ़ ताल पर जाने के बाद मुंबई के जुहू बीच जैसा महसूस होता है, लेकिन अब एक ऐसी ही जगह और गोरखपुर में डेवलप होने जा रही है जहां आप हूबहू जुहू बीच जैसा महसूस कर पाएंगे। ये तस्वीरें हैं सुमेर सागर ताल की, जिसे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाए जाने की होड़ में जिला प्रशासन लग चुका है। मैं जितना हिस्सा भी क्लियर है उसमें कुछ लिटिगेशन भी संज्ञान में आए थे, बट जो मामला जो प्रशासन ने हमें क्लियर करके जो हैंडओवर किया है उसके लिए टेंडर किया गया है, और टेंडर करके उसको भी हम लोग एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप कर सकें इसके लिए काम किया जा रहा है। ताल को सुंदर और मनमोहक बनाने के लिए यहाँ पर सुंदरीकरण का कार्य जोरों से किया जा रहा है। लगभग 20 एकड़ में फैले सुमेर सागर ताल को विकसित करने के लिए प्रशासन के कर्मचारी प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में लोग यहां सैर सपाटा कर सकेंगे। ताल के प्राकृतिक स्वरूप को स्थापित करते हुए आने वाले दिनों में ये जगह जॉगिंग ट्रैक, फूड कोर्ट, म्यूजिकल फाउंटेन, कार पार्किंग, वाटर बोट के साथ साथ अन्य कई सुविधाओं से लैस होगी। जो वो पूरा क्षेत्र है वो तो 20 एकड़ से ज़्यादा का है, बट शुरुआती फेज में जो फेज वन होगा वो करीबन 6-7 एकड़ के आसपास का होगा, जहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, और उसके बाद जैसे जैसे उसमें क्लियरेंस मिलता जाएगा हमको तो उसको बाद उसमें हम लोग आगे काम करेंगे। रामगढ़ ताल के बाद सुमेर सागर ताल की दूसरा ऐसा स्पॉट होगा जहाँ लोग आकर सुंदर नज़ारे के साथ ही तरोताज़ा हवा में अपने अपनों के साथ वक्त बिता पाएंगे। सुमेर सागर के सौंदर्यीकरण से गोरखपुर को रामगढ़ ताल के बाद दूसरा पर्यटन स्थल शीघ्र ही मिलने वाला है। पूरा हम लोगों ने फोकस किया कि एक तो वाटर बॉडी जो है वो डेवलप की जाए, साथ में उसके लिए टूरिस्ट के लिए वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ प्लान किया जाए, अच्छी पार्किंग दी जाए, कुछ कियोस्क भी इसमें दिए जाएँ, तो एक ऐसा स्पॉट जो है एक जगह डेवलप किया जाए शहर के बीच में जहाँ पे शाम को जो है लोग अपने परिवार के साथ वहाँ पे आके समय बिता सकें। बता दें कि सुमेर सागर ताल को विगत वर्षों में अतिक्रमण करके आवासीय व्यवसायिक भवन बनाए गए थे, जिसे जिला प्रशासन के सहयोग से खाली करवाया गया।